एल चंडीगढ़ को बैगर्स फ्री बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने एक अवेयरनेस ड्राइव की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत एडवाइजर राजीव वर्मा ने यूटी सेक्रेटरीट से की। इस दौरान सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी अनुराधा चक्ती समेत अन्य ऑफिसर भी मौजूद रहे। 21 अक्टूबर से इस अवेयरनेस ड्राइव की शुरुआत की गई है, जो 28 अक्टूबर को जाकर समाप्त होगी। चंडीगढ़ पुलिस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट समेत अन्य डिपार्टमेंट मिलकर यह अभियान चलाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने नेकी की दीवार नाम से डोनेशन बॉक्स भी रखे हैं। अगर कोई व्यक्ति डोनेट करना चाहता है तो वह इस नेकी दीवार में डोनेट कर सकता है। वहीं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी अनुराधा चक्ती ने बताया कि लोग भिखारी को कुछ भी दान न करें, क्योंकि दान करने से इनकी तादाद बढ़ती जाती है। अगर लोगों को दान देना भी है तो वह चार जगह पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से नेकी की दीवार लगाई गई है, जहां पर लोग डोनेट कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फेस्टिवल सीजन में इन भिखारी की तादाद चंडीगढ़ में बढ़ती जाती है। चंडीगढ़ प्रशासन समय पर एस बड़ी ई ड्राइव चलाने का दावा तो करता है, लेकिन क्या सही मायने में चंडीगढ़ बैगर्स फ्री हो पाएगा कि बस यह एक ड्राइव तक ही सीमित रह जाएगी? देखना होगा कि आने वाले समय पर चंडीगढ़ की सड़कों पर, चौक चौराहों पर क्या ये भिखारी दिखाई देते हैं या नहीं। नेशन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। At the heart of this campaign is the idea that giving alms or purchasing things from the children on the streets often perpetuates problems like child labor and human trafficking rather than solving them. Instead, through this initiative, we encourage everyone to contribute to long-term solutions by supporting structured rehabilitation and social welfare efforts. Our goal is to inspire collective action, and together we can make Chandigarh. जी सर, प्रशासन द्वारा 21 से 28 अक्टूबर तक एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है चंडीगढ़ को भिखारी मुक्त करना। इस अवसर पर
मैं चंडीगढ़ वासियों से, सभी चंडीगढ़ वासियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे सड़क पर, चौराहों पर और ऐसी अन्य जगहों पर भिखारियों को भिक्षा देने और छोटे छोटे बच्चों के साथ सामान लेने से बचें, क्योंकि इससे समाज में भिक्षावृत्ति, चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा मिलता है। चंडीगढ़ में इस अभियान के लिए सभी डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग पुलिस, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सभी इसके लिए अपना साझा प्रयास कर रहे हैं। और इस अवसर पर मेरी सभी चंडीगढ़ वासियों से यह भी विनती है कि वो, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, तो सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले कपड़े जैसे कि कैप हुआ, स्वेटर हुआ, शॉल हुआ, इस तरह की चीज़ें, या स्कूल में इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री और ऐसी अन्य वस्तुओं का ध्यान करें जिससे कि ज़रूरतमंद महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और बच्चों के जीवन में उजाला आए। थैंक यू। ये 8 दिन का हमारा कैंपेन है। आप जैसे जानते हैं कि चंडीगढ़ में बहुत सारे ट्रैफिक लाइट्स पे, राउंड अबाउट्स पे, मार्केट्स में आपको बहुत सारे बच्चे और बड़े भीख मांगते मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जो आपको कोई चीज़ बेचने की कोशिश करते हैं। इसलिए चंडीगढ़ के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान भी हैं, जो भीख मांग रहे हैं, उनको हम इस जो ये हमारा त्यौहार का सीज़न है, हम चाहते हैं कि वो भी मेन स्ट्रीम हों, वो भी अच्छे काम और तरफ चलें। और ये जो बेगिंग है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ बच्चों को खींचती है, चाइल्ड लेबर की तरफ खींचती है। इसलिए पुलिस, लेबर डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट के साथ हम एक साझा एक ये कैंपेन चला रहे हैं, जहाँ पर हम चाहते हैं कि लोग, क्योंकि सबको अच्छा लगता है कि त्यौहार के दिनों में हम कुछ दान करें, ये जो आपका दान है वो आप ये नेकी की दीवार पे दान करें, ताकि ये एक टारगेटेड इंटरवेंशन हो, जहाँ पर ये सामान जो है वो उन बच्चों को, उन वृद्धों को और उन महिलाओं को जाए जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में और जो हमें पता है कि जिनको इसकी ज़रूरत है। ये तो एक छोटा सा नज है हमारा कि आप दान अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप यहाँ करें, पर हमारी इससे ज़्यादा बड़ी अपील सबसे ये है कि आप किसी को भी भिक्षा ना दें। आप जो बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, उनको चाइल्ड लेबर से बचाएं, क्योंकि वो बच्चे की उम्र है कि वो खेले कूदे, पढ़ाई करे, उसको उस तरफ जाना चाहिए, इसके बजाय कि वो कहीं पे भीख मांगे या वो छोटी छोटी चीज़ें आपको बेचे। और हमारा सबका दिल पसीज जाता है ये सोच करके, बच्चा है, कह रहा है घर पे कोई भूखा है, मेरे पास पैसे नहीं है। पर अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो हमारा एक और रिक्वेस्ट ये है कि आप 1098 जो हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन है, वहाँ पर आप फ़ोन करें और हमारा DCPO यूनिट जाके वो बच्चे को वहाँ से ले लेगा, CWC के आगे उसको पेश करेगा। CWC फिर फैसला लेगी कि बच्चे को क्या स्नेहालय में लिया जाना है, या अगर उसके माँ बाप हैं, कुछ हैं, तो उसकी तरफ उनको वापस किया जाएगा। और सब माँ बाप से भी यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को ऐसे सड़कों पर भीख मांगना और ये सब करने के लिए मत जाने दें। लेबर डिपार्टमेंट इसीलिए हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, क्योंकि चाइल्ड लेबर जो है वो कानून, उसके कानून के खिलाफ है। और हमारा यही अपील है सबसे कि आप का ये जो चंडीगढ़ है, इसको हम दिवाली से पहले पहले बैगर फ्री करें, और आप सबका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। अभी भी देखा गया है नेकी की दीवार हर साल चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद माँ बाप खुद बच्चों से भीख मंगवाते हैं या कोई चीज भिखवाते हैं, उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी माँ बाप? अभी ड्राइव्स चल रही हैं, 15 तारीख से ड्राइव्स चल रही हैं, कुछ बच्चे, कुछ और बेगर्स भी जो हैं उनको पकड़ा गया है। जो बच्चे पकड़े गए हैं उनको CWC के आगे पेश किया जा रहा है, और ये ड्राइव्स लेबर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर की, सबकी, तीनों की मिल के चल रही हैं। धन्यवाद। वो हमारी कोशिश है कि हम अगर देना बंद कर देंगे, भिक्षा देना बंद कर देंगे, वो जब सप्लाई ही बंद हो जाएगी तो डिमांड भी अपने आप कम हो जाएगी। तो यही है हमारी अपील सबसे, सारे चंडीगढ़ निवासियों से, कि आप
ये तो एक छोटा सा कैंपेन है इसकी तरफ हम सबका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, पर आप आगे भी कभी भी जो बच्चे कुछ बेचने आते हैं या कोई मांगने आते हैं तो उनको ना दें। और आपको कभी भी, खाली इन दिनों में नहीं, कभी भी कोई बच्चा आपको मिलता है जो भिक्षा मांग रहा है या कुछ बेच रहा है तो 1098 पर ज़रूर फ़ोन करके हमें इत्तला करें। धन्यवाद।